नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक की खबर के साथ में। दरअसल उत्तराखंड कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, जिसमें सरकार ने यह फैसला किया है कि राज्य में शराब की तस्करी को रोकने के लिए शराब की कीमतें कम की जाएंगी, जिसके बाद शराब प्रति बोतल 100 रुपए से 300 रुपए तक सस्ती होगी। इसके अलावा सरकार ने शराब पर गोवंश संरक्षण, महिला कल्याण और खेलकूद के प्रोत्साहन को लेकर 1 रुपए के हिसाब से प्रति बोतल 3 रुपए सेस लगाने का भी फैसला लिया है। बता दें कि कैबिनेट बैठक में 3 बिंदुओं पर चर्चा की गई थी। मुख्य सचिव डॉक्टर एस एस संधू ने बताया कि बैठक में वित्तीय वर्ष 2023-24 की नई आबकारी नीति, एकल आवासीय भवन योजना में संशोधन के अलावा गौला और नंधौर समेत बाकी जगहों पर चल रहे कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस पुरानी दरों पर रखने का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने रखा गया। सरकार ने तीनों पर मुहर लगा दी है। आज की कैबिनेट में 3 मद ही आए थे, क्योंकि पिछले सप्ताह आपको जानकारी ही है कि गैरसैंण में 2 बार कैबिनेट हुई। पहला मद जो कि पहले विचलन से हो चुका था, एक औपचारिक मद था, जो गौला, नंदौर और कोसी नदी में जो ट्रांसपोर्टर की डिमांड थी कि उनके रेट बहुत बढ़ गए हैं और इस समय इस साल 1 साल के लिए उसको स्थगित कर दिया जाए, तो पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत मुख्यमंत्री जी ने इसका अनुमोदन दिया था, उसको आज औपचारिक तौर से कैबिनेट को अवगत कराया गया। राजस्व का लक्ष्य जो इस वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3,600 करोड़ रुपए विभाग का था, तो उसे बढ़ाकर 4,000 करोड़ रुपए किया गया है। देहरादून में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बैठक का आयोजन किया। आपको बता दें कि बैठक के दौरान कार्यशाला भी आयोजित की गई, जिसमें तमाम वैज्ञानिक मौजूद रहे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी कार्यशाला में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने कहा कि पर्वतीय राज्यों में पहले मौसम की परिस्थितियों के हिसाब से आपदाएं आती थी, लेकिन अब आपदाओं का स्वरूप बदल गया है। आपदा कभी भी आ सकती है और उसके लिए पहले से तैयार रहने की जरूरत है। बता दें कि पर्वतीय इलाकों में आपदा को लेकर कार्यशाला में वैज्ञानिकों ने चर्चा की और इस पर अंकुश लगाने के लिए उठाए जाने वाले जरूरी कदमों पर भी मंथन किया गया। ये आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जो एक अंतर्राष्ट्रीय दिनों पर आयोजित किया जा रहा है, निश्चित रूप से ये हमारे उत्तराखंड के साथ साथ जितने भी आपदा प्रभावित राज्य हैं, जिनको हिमालयन राज्य कह सकते हैं, उनको प्रत्येक वर्ष आपदाओं का सामना करना पड़ता है। पहले कुछ मौसम निर्धारित होते थे आपदा आने के, लेकिन आज मौसम निर्धारित नहीं है, किसी भी मौसम में कभी भी आपदा आ जाती है और आपदा से जो जनहानि होती है, धनहानि होती है, वो हमारे लिए बड़ा कहूँ कि नुकसानदायक होता है और तमाम प्रकार की व्यवस्थाएँ ध्वस्त हो जाती हैं। उसी प्रकार की जो आपदा प्रबंधन की कार्यशालाएँ हैं, वो एक तो प्रोएक्टिव मोड पहले से हमको जानकारी हो जाए और आपदा होने के बाद उनका ठीक प्रकार से बचाव हो पाए। जो नई तकनीकी आई हैं, विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आधुनिक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ा, तो इस कार्यशाला से उसमें बहुत सारा मंथन होगा। उस मंथन से निश्चित ही रूप से आने वाले समय में आपदाओं को कम कर पाएंगे। नुकसान उत्तराखंड विधानसभा की अध्यक्ष रितु खंडूरी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की है। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। तो आपको बता दें कि संसद भवन में गृह मंत्री अमित शाह के साथ रितु खंडूरी ने मुलाकात की थी। इस दौरान अमित शाह ने रितु खंडूरी से पिछले दिनों संपन्न हुए बजट सत्र, संसद की कार्यवाही समेत कई विषयों पर जानकारी ली। दोनों नेताओं के बीच उत्तराखंड के विकास समेत कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियां इसमें सभी जनपदों में जोरों पर चल रही हैं और विभागों में भी जो जो कार्रवाई होनी है वो संचालित किया जा रहा है। जैसे बताया गया था, पंजीकरण का जो पोर्टल है वो अपडेट किया जा चुका और पंजीकरण की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। अप्रैल महीने में चारधाम यात्रा शुरू हो रही है, लिहाजा सरकार ने तैयारियां तेज कर दी हैं। साथ ही साथ प्रशासनिक अमला भी चाक चौबंद इंतजाम करने में जुटा हुआ है।
गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने चारधाम यात्रा को लेकर की जा रही व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रशासन समय से पहले सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने में लगा है, पैदल मार्गों को दुरुस्त किया जा रहा है, साथ ही यात्रा मार्गों पर पेयजल और शौचालय की व्यवस्था भी जगह जगह पर की जा रही है ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में यात्रियों को धाम तक पहुंचाने वाले घोड़े खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी समय समय पर किया जा रहा है। यह जिम्मेदारी पशु चिकित्सा अधिकारी को दी गई है, जबकि चारधाम में आकस्मिक सेवा के तौर पर हेली सेवा की व्यवस्था भी की गई है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी समय पर कार्डियोलॉजिस्ट के साथ बाकी डॉक्टरों का रोस्टर बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिस पर स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियां इसमें सभी जनपदों में जोरों पर चल रही हैं और विभागों में भी जो जो कार्रवाई होनी है वो संचालित किया जा रहा है। जैसे बताया गया था, पंजीकरण का जो पोर्टल है वो अपडेट किया जा चुका है और पंजीकरण की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। चारों धामों में पहले पंजीकरण 2 धामों के लिए था, अब 4 धामों के लिए भी पंजीकरण खोल दिया गया है और सब व्यवस्थाएँ की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जो मार्गों में सुधार होना था उसमें सभी संस्थाएं अपना कार्य कर रही हैं। इसके अतिरिक्त पैदल मार्गों में और पैदल जो जो धामों के स्थान हैं वहां पर जिलाधिकारी स्तर से उनको तैयार किया जा रहा है। जो आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियां इसमें सभी बेमौसम बरसात की मार उत्तराखंड के किसानों पर भी पड़ रही है। दरअसल बारिश की वजह से किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा कई जगहों पर पहाड़ से खिसककर बोल्डर सड़कों पर आ गए हैं, जिसकी वजह से यातायात भी बाधित हो गया है। टिहरी जिले के ऊंचाई वाले इलाकों के साथ मैदानी इलाकों में भी बरसात जारी है। नरेंद्रनगर समेत कुंजापुरी, कसमोली डांडा, घंटाकरण पर्वत शिखर से लेकर घनसाली के छितियाड़ा खवाड़ा मोटरमार्ग पर भी सड़क पर बोल्डर आने से रास्ते बंद हो गए हैं। एक और किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है, वहीं दूसरी ओर तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। रात को हम आए थे 3 बजे रात से ये रोड पूरी टूटी है, हमने वैसा ग्रुप में भी डाला है और उसके बाद हमने विधायक साहब को भी फ़ोन कर दिया है और PW वालों को भी फ़ोन कर दिया, अभी कोई नहीं आया, कोई प्रशासन आया नहीं अब तक, और सारे टीचर लोग भी आ रखे, पेपर चल रहे आजकल, बहुत दिक्कत है अभी। पौड़ी में भी मौसम ने करवट बदली है, तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला लगातार जारी है, जिसकी वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। एक और किसान परेशान है, वहीं मैदानी इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत मिल गई है। मार्च के महीने में हो रही बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, किसानों को बारिश की वजह से बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि फसल पकने का वक्त हो गया है और ऐसे में बारिश होने से उनकी फसल बर्बाद हो रही है। इस बार पौड़ी में ही नहीं बोलूँगी मैं, उत्तराखंड में बारिश तो असमय हुई है, जब बारिश का टाइम था तब तो हुई थी बारिश, लेकिन अभी जो है मार्च का महीना शुरू हो चुका है, मतलब मिड मार्च होने वाला है, तो आज बारिश हुई है और बारिश तो लगभग कम ही देखने को मिली, लेकिन ओलावृष्टि हुई है, तो ओलावृष्टि से जो है फसलों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और फिर से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई है पौड़ी में, बहुत ही सुहावना मौसम हो गया है, तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अभी भी बारिश लगी हुई है, इससे पहले ओलावृष्टि हुई थी, तो काफ़ी शानदार मौसम आज हुआ है। हाँ बिल्कुल, अभी पौड़ी में तो नहीं हुए थे गर्म कपड़े बंद, जैकेट वगैरह चल ही रहे थे, लेकिन और जगह के अकॉर्डिंग पौड़ी में भी ठंडा है ही, और इससे पहले वायरल फीवर चल रहे थे, बारिश की वजह से थोड़ा बारिश हो गई है, तो ऐसा लगता है कि अब उत्तरकाशी के चिनियालीसौड़ में भू धंसाव का खतरा लंबे वक्त से मंडरा रहा है। कई जगहों पर बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिल रही हैं। मेन बाजार को जोड़ने वाली सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें भी लोगों को परेशान कर रही हैं। लगातार हो रही बारिश से ज्यादा भू धंसाव होने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। लोग भू धंसाव के लिए झील को जिम्मेदार बता रहे हैं। लोगों का कहना है कि टिहरी बांध की झील की वजह से नेशनल हाईवे, स्कूल, आवासीय भवन, सरकारी दफ्तरों और मेन मार्केट के अलावा 16 गांव में दरारें दिखाई दे रही हैं। चिनियालीसौड़ से 5 किलोमीटर की दूरी पर 3 बड़ी-बड़ी दरारें भी पड़ी हुई हैं। बनाई गई थी और 2005 और 2006 में जो है इसमें जल भराव हुआ और जल भराव होने के तत्काल बाद इसमें जो है भूस्खलन और भूदशा होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और 2000
10 और डिजास्टर को 2010 और 2013 में जो दैवीय आपदा आई थी उस दौरान जो है हमारा जोगत रोड का जो एरिया था वो पूरा जो है मतलब भूदशाओं से और भूस्खलन से जो है कई मकान जो है उसमें ध्वस्त हो गए थे, और ध्वस्त होने के साथ साथ जो लोगों ने अपने अपने सारा सामान किसी तरह जो सामान था बचा उचा वो लेके गए, व्यापार जो है पूरा ठप हो गया था। और उसके बाद जो है अब इसके जो पश्चातगामी जो परिणाम निकल रहे हैं वो बहुत भयानक निकल रहे हैं, बहुत भयावह निकल। देहरादून में सफाई व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक अमला मुस्तैद नजर आ रहा है, मेयर ने भी कमर कस ली है, सफाई व्यवस्था को लेकर के तमाम तैयारियां की जा रही हैं। मेयर सुनील उनियाल गामा देहरादून को देश के अग्रणी स्वच्छ शहरों की लिस्ट में शामिल करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं। सफाई से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। डोर टू डोर कूड़ा उठाने में दिक्कतें सामने आ रही थी, अब मेयर ने डोर टू डोर कूड़ा उठाने का जिम्मा नई कंपनी को दे दिया है। उन्होंने जल्द ही सभी समस्याओं का समाधान करने का भी आश्वासन दिया है। स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, और स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए जब 2018 में हम नगर निगम में आए थे हमने सफाई पे और लाइट पे फोकस किया कि हमारी सफाई व्यवस्था 100% ठीक होनी चाहिए, हमारी लाइट की व्यवस्था 100% ठीक होनी चाहिए। हमने लाइट की व्यवस्था भी 90% ठीक कर दी है। सफाई व्यवस्था में हमारा फोकस है, जो हमारा 384 रैंक था आज हमारा 69 है, 315 अंकों का हमने उसमें सुधार किया है। और इसके लिए मैं अपने देहरादून की जनता का भी उनका धन्यवाद करता हूं कि उनकी जन सहभागिता से ये स्वच्छता सर्वेक्षण में देहरादून लगातार जो है सुधार हो रहा है। अभी आजकल हमने स्वच्छता सर्वेक्षण के साथ जागरूकता अभियान भी चला रखा है, नुक्कड़ नाटक भी चल रहे हैं, स्कूल के बच्चे भी जो है नुक्कड़ नाटक भी कर रहे हैं, पेंटिंग का काम भी चल रहा है शहर को सुंदर बनाने के लिए, शहर को अलग अलग स्थानों में हमारा। पौड़ी से दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है, नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन करने जा रहे यात्रियों की कार खाई में गिर गई। हादसा लक्ष्मण झूला नीलकंठ मोटर मार्ग पर हुआ। हादसे में 2 बच्चों समेत 3 लोगों की मौत की खबर है। वहीं घायलों को इलाज के लिए ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां से उन्हें एम्स रेफर कर दिया गया है। बता दें कि रुद्रपुर से एक ही परिवार के 13 लोग नीलकंठ महादेव मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे, इसी दौरान पीपलकोटी के पास उनकी कार खाई में गिर गई थी। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों का रेस्क्यू किया, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये दुखद घटना है कि कुछ लोग जो है नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए उधम सिंह नगर से आए थे, और लक्ष्मण झूला और जो है नीलकंठ महादेव के बीच में एक कोई जगह है, उस जगह पर गाड़ी अनियंत्रित हो गई थी, जिसमें जो है मौके पर जो है पुलिस फोर्स पहुंच गया था हमारा और रेस्क्यू किया गया था, लेकिन हॉस्पिटल जाकर इसमें 3 लोग मर गए थे और बाकी का इलाज जो है हॉस्पिटल जो है एम्स जो है जिसके इसमें चल रहा है। अभी इस चीज़ का पता नहीं चला है, इसकी जांच जो है गए थे हमारे एसओ साहब भी गए थे मौके पे, एसएचओ साहब गए थे और अधिकारी भी और भी गए थे। बुलेटिन के आखिर में बात उत्तरकाशी की, जहां 22 मार्च से श्री मां कृपा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान गो कृपा और रामकथा का भी आयोजन किया जाएगा। इस दौरान लोगों को बद्री गाय की उपयोगिता बताई जाएगी। बता दें कि कार्यक्रम को लेकर 127 गांवों में निमंत्रण भेजा गया है। लोगों को गोमाता के धार्मिक, औषधि और आर्थिक महत्व से रूबरू कराया जाएगा। कार्यक्रम में देशभर से 350 से ज्यादा संतों के साथ शारदा पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती और सुमेरु पीठ के शंकराचार्य स्वामी नरेंद्र नंद सरस्वती भी शामिल होंगे। कथा के आयोजन का प्रधान उद्देश्य व्यसन मुक्त समाज, सात्विक समाज, गो सेवा, गो संरक्षण और गो संवर्धन है। आरंभ होकर के 30 मार्च तक ये आयोजन चलना है, यानी कि चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक संपूर्ण नवरात्रि में 9 दिन तक ये आयोजन चलेगा। क्रम में संपूर्ण आसपास के उत्तरकाशी जिले के सभी ग्रामवासियों को वेद लक्षणा जो यहाँ की बद्री गोवंश है, स्थानीय गोवंश है, उसका महत्व पता चले, इसके निमित्त गहनता के साथ हमारे संतों ने व्यक्तिगत जा करके और 127 गांवों के अंदर निमंत्रण कुल दिया है, ताकि सभी लोग गांवों के लोग आएं और देसी गाय का जो यहाँ की जो मूल नस्ल है
बद्री नस्ल, उसके महत्व को समझे। वो दूध भले ही कम देती है लेकिन अमृत जैसा दूध देती है। आजकल जर्सी होलिस्टन के चक्कर में पड़ के लोग विषैला दूध पी रहे हैं। वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया है कि जर्सी होलिस्टन जैसे पशुओं के दूध से कई प्रकार के रोग बढ़ते हैं। तो वापस लोग समझें और यहाँ की स्थानीय नस्ल की गौ का सदुपयोग करें, उनकी सेवा भी करें उनसे। उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।